सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए 13 टिप्स ये आज मैं देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेक्स में बहुत जॉय, मजा, खुशियाँ, समाधान मिलना चाहिए और उसके लिए एंग्जाइटी सेक्स के बारे में कम होना जरूरी है। बहुत एंग्शियस सीधी रहा आदमी तो सेक्स बराबर होता नहीं। उसके साथ साथ इरेक्शन जो है वो जितना ज़्यादा कठोर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। क्या है कि पेनिस में कम ब्लड अंदर जाता है तो कम कठोरता है, ज़्यादा जाता है तो ज़्यादा कठोरता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कैसा जाएगा, जितना ज़्यादा 150-200 ml जितना जा सकता है अंदर उतना तो कठोरता ज़्यादा है, तो वो होना जरूरी है। तीसरा जो है वो है आपसी रिश्ते पार्टनर के साथ में, और एक फैक्टर है वो है स्टेमिना, कि आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट है, थकान जल्दी नहीं आती है, तो ये तो होना ही है। इसके अलावा मैं आपको 13 टिप्स दे रहा हूँ कि वो यदि आप उसका इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। नंबर एक, फोर प्ले के ऊपर फोकस करो। जितना ज़्यादा फोर प्ले के ऊपर आप फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और फोर प्ले में किसिंग, हगिंग, मसाजिंग, एम्ब्रेसिंग जो भी कर सकते हैं वो करो, जितना ज़्यादा समय कर सकते उतना ज़्यादा करो। 36.6% 36.6 औरतों ने ये बोला कि हमको फोर प्ले के सिवा मज़ा आती ही नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं है और फोर प्ले जरूरी है, उसके सिवा उनको सेक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता, इतना ज़्यादा प्रमाण है। नंबर दो, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए रेगुलरली। क्या आप इंसर्ट करते हो, योनि में लिंग का प्रवेश होता है और बाद में फिर आप रुक जाते हो, बाहर निकालते हो, स्क्वीज करते हो, फिर करते हो, ऐसा बार बार करते हो तो डेफिनेटली आपका मतलब एन्जॉयमेंट ज़्यादा होगा दोनों का भी। नंबर तीन जो है वो है कि नए तरीके अपनाना जरूरी है, ट्राई न्यू थिंग्स, नई पोजिशन, नई प्लेस, नया वेन्यू। कभी बाहर जाते हैं, होटल में जाके सेक्स करते हैं, घर में है तभी भी, या ऐसी जगह कि जहाँ कभी आप गए नहीं हो, फिर साथ में आप हॉबीज़ में एक दूसरे के साथ में रहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, खाना साथ में पकाते हैं, मतलब बेडरूम के अलावा भी आप एक दूसरे से अच्छे जुड़े और नए नए आप तरीके आप कर रहे हैं आपसी रिश्ते के लिए। नंबर चार जो है कि वो आपका स्ट्रेस कम होना जरूरी है। यदि आपको स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, जो भी स्ट्रेस है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल इलनेस का स्ट्रेस जो, तो वो स्ट्रेस को स्ट्रेस मैनेज करना जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स का वापर करना है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस उसके बारे में हैं। फिर पांचवा है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। टोबैको स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, ऐसा लिखने के बाद में भी लोग पीते रहते हैं, और शराब दोनों भी सेक्स के लिए अच्छे नहीं है। शराब से टेम्पररी अच्छा लगता है मगर बाद में फिर प्रॉब्लम आता है। छठवा है ओपन कम्युनिकेशन टू पार्टनर, मतलब खुला संवाद। यदि आपको प्रॉब्लम है, डर लगता है, उसके सामने डर लगता है, अकेले में अच्छा इरेक्शन होता है, सामने डर लगता है, उसके साथ है तो डर लगता है, खुला संवाद यदि आप करते हैं तो आपका पूरा प्रॉब्लम निकल जाएगा बिना दवाई का। मगर आप जितना ज़्यादा छुपाते हैं कि आपको प्रॉब्लम है तो वो जितना ज़्यादा छुपाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ते जाता है। नंबर सात जो है वो है आपसी प्यार, लव, अनकंडीशनल लव, एक दूसरे के ऊपर लव है, प्यार है, नहीं तो झगड़ा झंझट हो रहा है, क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, नीचा दिखा रहे हैं, और फिर औरत को एक जैसा कीप जैसा वापर के बस सेक्स पूर्ता करना है, बाकी कोई संबंध नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम आते रहता है। तो आपसी प्यार बहुत ही ज़रूरी है। नंबर आठ, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज रेगुलरली आप करते हो 30-40 मिनट तो उससे सेक्स में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज और उसके साथ साथ कीगल्स एक्सरसाइज, जिसका वीडियो और अलग जगह है, तो कीगल्स एक्सरसाइज से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिलता है। नंबर नौ जो है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब एक प्रकार का मेडिटेशन है, जहाँ आप बिल्कुल प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं। 2017 की एक स्टडी है, वो स्टडी के मुताबिक माइंडफुलनेस से बहुत ज़्यादा 30-40% इम्प्रूवमेंट लोगों को पाया गया है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करके सेक्स परफॉर्मेंस में। दसवां जो है वो है कि
हर्बल मेडिसिन ट्राई करना, जैसा जिनसेंग है, फिर बाद में मुसली, ऐसे लोग ट्राई करके देखते हैं, और पाइनएप्पल है, तरबूज है, या फिर लौकी की बीज जो है वो है, या कद्दू के बीज, ऐसे ट्राई करके लोगों ने देखे हुए और उससे भी फायदा होता है। नंबर 11 जो है वो है काउंसलिंग। आपके यदि प्रॉब्लम्स है और सेक्स काउंसलिंग में यदि आपको सेक्स एजुकेशन ही नहीं है और आप सेक्स काउंसलिंग लेते हैं तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़ायदा दिखता है। और सेक्स काउंसलिंग में लिंग का साइज, फिर नॉक्चर्नल इमिशंस, नाइटफॉल, फिर हस्त मैथुन, प्री मैचुर इजैकुलेशन, इरेक्शन, ऐसे सभी बातों के बारे में चर्चा की जाती है, काउंसिल किया जाता है, और गलत फहमी निकल जाती है तो डेफिनेटली फ़ायदा होता है। नंबर 12 जो है वो है कंसल्ट योर सेक्सोलॉजिस्ट या कंसल्ट योर डॉक्टर। अभी इसमें आप डॉक्टर को कंसल्ट करके आप एक तो दवाइयाँ ले सकते हैं, जैसा कि वायरा, टाडलाफिल, सिल्डनाफिल, अवेनाफिल, वर्दानाफिल, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप SSRI ग्रुप की दवाई ले सकते हैं या फिर बेंजोडाइजेपिन्स ले सकते हैं। नंबर 12 जो है वो है कंसल्ट योर सेक्सोलॉजिस्ट और कंसल्ट योर डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर आपको आपके प्रॉब्लम समझ लेगा। आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है क्या जिसके वजह से ये हो रहा है क्या, इरेक्शन का प्रॉब्लम या प्री मैच इजैकुलेशन, वो देख लेगा। वो यदि नहीं है तो फिर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिंस, जिसमें सिल्डनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, अवेनाफिल, ये मेडिसिन है, SSRI है, बेंजोडाइजेपिन्स है, मतलब आपको एंग्जाइटी है तो उसके लिए दवा दे सकता है, और जल्दी यदि गिरता है तो उसके लिए दवाई दे सकता है, इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो वो दवाई हो सकती है, ऐसे अलग अलग दवाई दे सकता है। यदि आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन एंटी डिप्रेशंस दवाई दे के फ़ायदा होता है, तो कंसल्ट योर सेक्सोलॉजिस्ट। नंबर 13 जो है वो है आपकी बीमारियाँ। यदि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर कोई मतलब दवाइयाँ चालू है जिसके वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, या फिर हार्ट डिसीज़ है, कोई भी ऐसी बीमारी है तो उसका इलाज बराबर चालू है क्या, जॉइंट पेन्स है, फिर फिजिकल वीकनेस है, तो ऐसी कुछ बीमारियाँ आपको होती है और वो आप ट्रीट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। तो ये सब 13 टिप्स मैंने जो बता दिया वो यदि आप बिल्कुल सीरियसली फॉलो करते हैं, वो मुताबिक चलते हैं, तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो एक अलग लेवल पे चले जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।